मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा लोगों को सुविधा मुहैया कराते हुए डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ियों को लगाया गया था। इन गाड़ियों पर भगवान बांके बिहारी के फोटो के साथ साथ राम मंदिर, गोवर्धन पर्वत और यमुना के चित्र को भी दर्शाया गया है। ये फोटो नगर निगम के लोगों ने लगाए हैं। कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों पर ये फोटो लगाए गए हैं। आराध्य के फोटो वायरल होने से वृंदावन के संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है और वो इसको देखकर खास नाराजगी जता रहे हैं। आते हैं यहाँ जितने भी दर्शनार्थी आते हैं उनकी आस्था पर क्या एक फर्क पड़ेगा और वो यहाँ से क्या एक मैसेज संदेश लेकर के जाएंगे, तो मैं यही कहूँगा नगर निगम इस पर सुधार करे और अति शीघ्र करे। ये हमें एकदम बर्दाश्त नहीं है। हम ब्रजवासियों को और सारे ब्रजवासियों को इस चीज़ का एक तरह से विनम्र विरोध करना चाहिए क्योंकि ये एक आस्था का प्रतीक है हमारे ठाकुर। निगम वाले उनको अविलंब इसको तुरंत मिटा करके अविलंब हटाए, नहीं तो स्थिति ठीक नहीं होगी। वृंदावन के प्रति यमुना जी पर आस्था सबको है, ब्रजवासियों का भागन पड़ रहा है। इसलिए मैं कहता आप दोनों के माध्यम से कहा, आपने सूचना दिया, इसलिए अविलंब नगर में इसको हटा करके इस आस्था के ठेस पर उसको अविलंब विराम लगाए। दो लोग आकर्षित होते हैं और उसको आप कचरे की गाड़ी पर कैसे लगा सकते हैं? आप लोगों को जानबूझ के लगाया गया है या गाड़ियों पर खाली नगर निगम लिख दिया जाए तो क्या दिक्कत है? लोग पहचानेंगे नहीं, इसी लोगों लगा के ही कचरे की गाड़ी को पहचानेंगे। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से नगर आयुक्त से जो भी इस जो बात हुई है और अगर इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है तो हम प्रशासन से भी बात करेंगे कि ये इस तरह का कार्य जो हुआ है उसकी खोज।